हरे कृष्णा। सरल गीता के पार्ट सिक्स में आप सबका स्वागत है। हम सुख यानी हैप्पीनेस, किस तरह से हम अपने जीवन में सुखी हों, भगवद गीता अनेक अनेक चैप्टर्स में अनेक अनेक श्लोकों के थ्रू हर विषय पर हमें संदेश दे रही है। तो सुख विषय पर जहां जो मुझे हिंट मिल रहा है वो मैं कंपाइल कर रहा हूँ। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। उनके द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप से ही ये सारी पॉइंट्स, ये सारे श्लोक मैंने कंपाइल किए हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि भगवद गीता यथारूप को जहाँ तक हो सके रोज जरूर पढ़ें। पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक, इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, भौतिक भोगों का आदि तथा अंत होता है। आदि तथा अंत यानी उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है। इसलिए जो चतुर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, उसमें आनंद नहीं लेता, वो उसमें सुख नहीं खोजता। अब आप देखो कि जो मार्केट में डिश मिलती है, हम बड़े सुखी होकर भागकर उसको खाने जाते हैं, लेकिन एक बार दो बार के बाद हम बोर हो जाते हैं। जबकि भगवान के मंदिर में जो प्रसाद हमें मिलता है, कई बार नहीं हमेशा ही रादर, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी होती है, लेकिन उसमें पता नहीं क्या दिव्य सुख होता है, वो हमेशा मिलता है। जबकि हम मार्केट में कोई डिश खाने जाते हैं तो एक दो बार के बाद बोर हो जाते हैं और उसको बदलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो भौतिक सुख है उसमें आदि है अंत है। कोई भी गाना सुनते हैं अच्छा लगता है, थोड़े दिनों बाद बोर लगने लगता है। जबकि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम मंदिर में सुनते हैं, हजारों लाखों बार भी सुन लें, उतना ही आनंद और आनंद बढ़ता जाता है। ऐसे ही किसी भी सुंदर दृश्य को एक बार देखें, दो बार देखें, बोर हो जाते हैं। भगवान के दर्शन करके हमें नित्य नया सुख प्राप्त होता है। तो अध्यात्म में जो सुख है उसका कोई आदि अंत नहीं है। अध्यात्म का सुख जो है वो परमानेंट होता है ना, और जो भौतिक भोग हैं उनका आदि तथा अंत होता है। तो जो चतुर व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो नेचुरली भौतिक भोगों को तिरस्कार करेगा और आध्यात्मिक सुखों की ओर भागेगा, क्योंकि वो परमानेंट है, एवर इंक्रीजिंग है, उसमें उसको हमेशा जो सुख मिल रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। प्रभुपाद से एक बार किसी भक्त ने चर्चा की थी और वो नशे के बारे में कोई बात कर रहा था, तो उसने कुछ ऐसा समझाने की कोशिश की कि इसको नशा करने के बाद, कुछ शायद ड्रग्स वगैरह लेने के बाद, वी फील हाई। तो प्रभुपाद ने कहा यू फील हाई एंड देन यू कम डाउन। कहते हैं ना, जैसे मतलब शराब के बारे में भी कहा जाता है, चढ़ गई फिर उतर गई। जबकि जो अध्यात्म का, भक्ति का जो नशा है, सुख है, ये बढ़ता ही जाता है, ये वापस नीचे नहीं गिरता। तो इसलिए हमें अध्यात्म के सुख की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि भौतिक सुखों की तरफ। एक और श्लोक हम पांचवें अध्याय का 23वां ले रहे हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर बूढ़ा होने से पहले, मरने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा व क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। इंद्रियों के जो वेग हैं वो बहुत होते हैं। इंद्रियों का मतलब हो गया कुछ खाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ बोलने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, है ना। ये जो बोलने की हमारी इच्छाएं हैं, वाणी के वेग, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कई बार हमें पता होता है कि हम कुछ बोलेंगे, अनाप शनाप तो दिक्कत आएगी, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। क्रोध का वेग, गुस्सा, इस क्रोध के वेग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब हमें क्रोध आता है, हम कुछ भी करते हैं और उसके बाद बहुत पछताना पड़ता है। तो अगर हमें इस संसार में सुखी रहना है तो हमें इन वेगों को, इस क्रोध के वेग को, इस वाणी के वेग को, मन के वेग को, मन में भी पता नहीं क्या क्या इच्छाएं जागती हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है भगवद गीता यथारूप को जरूर पढ़ें। प्रभुपाद ने जो इसके पर्पट्स दिए हैं, तात्पर्य हर श्लोक के उन्होंने अर्थ के साथ दिए हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं और हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी वहीं से पढ़कर बोलने का प्रयास करता हूं। तो प्रभुपाद अपने पर्पट में बता रहे हैं कि जो वाणी के वेग, क्रोध के वेग, मन के वेग, उदर के वेग, पेट के, कुछ भी खाने की इच्छा भी हमारे को कई बार बहुत परेशान करती है ना, उपस्थ वेग, जननेन्द्रियों के जो वेग हैं, और जिह्वा वेग, तो टेस्ट के लिए भी हम कुछ खाने को भागते हैं। तो हर वक्त हम अपने मन और इस तरह की इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, क्रोध हमारा सर्वनाश करता रहता है। तो भक्तों को चाहिए कि कुछ ऐसा करें, भक्तों का संग करें, जप करें, और किसी तरह से अपने इन वेगों को शरीर को त्यागने से पूर्व कंट्रोल, सहन करना सीखें। क्योंकि अगर हम इन वेगों को सहन करना नहीं सीख पाए, सीखने के लिए हमें साधु यानी भक्तों का संग करना होगा,
सीखने के लिए हमें शास्त्रों का संग करना होगा, सीखने के लिए हमें अपने माता पिता गुरु के शरण में जाना होगा, तब हम सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम इन क्रोधों को, इन वेगों को कंट्रोल में करना सीख गए तो हम रियली सुखी रह सकते हैं। जो आदमी सुखी रहना चाहता है उनको अपने वेगों को कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो ये उसको अपने हिसाब से दौड़ाएंगे, फिर सुख कहाँ मिल पाएगा। सुखी रहने का सरलतम उपाय हमेशा जपिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन रोहिणी से जुड़ने के लिए और भगवद गीता में अगर आप हमें प्रचार में मदद करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें संपर्क करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।